सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली इलाके की पैतेपुर पुलिस चौकी अंतर्गत आलमपुर गांव में चोरों का आतंक बरकरार है। आलमपुर गांव में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद आज फिर ग्रामीणों ने एक चोर को देखा, जिसके बाद कई गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर चोर को घेर लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान ग्रामीणों ने कई राउंड फायरिंग भी की। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो अर्पित बताइए, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? ग्रामीणों ने कहां चोर को देखा और क्या उन्होंने चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है? आप सोचिए कि अजब गजब माहौल। पांच गांवों के लोग ने जब हवाई फायर के साथ चोर को घेरा तो सोच सकते हैं आलम क्या होगा। अभी एक हफ्ता ही हुआ था प्रियांशु जी। कोतवाली अहमदाबाद के इलाके पैतेपुर के आलमपुर गाँव में देर रात चोरों ने बंदूक के दम पे, बताया जा रहा था, हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही थी, लेकिन जो है एविडेंस जो लोग वहां के क्षेत्रीय बोल रहे थे कि बंदूक के दम पर दो घरों से कई लाखों का माल चोरों ने पार कर दिया था। और आज करीब शाम 8 बजे एक चोर गांव के निवासी राम गोपाल और संतोष ने देखा, आलमपुर गाँव निवासी ने, और देखते ही देखते पूरे गाँव के लोगों को इसकी सूचना मिल जाती है। गांव सहित आसपास के 4 अन्य गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं टार्च लेकर के, लाठी लेकर के, और चोर को खदेड़ने के लिए। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने जब 2 बार आसमानी फायर की है, इसके बाद घने अंधेरे के बीच गांव की शुरुआती रास्ते में धान का एक खेत है, उसमें छिपते छिपाते गिरते गिराते लोग बता रहे हैं कि वह उत्तर की ओर भाग निकला है। हालांकि अभी भी लोग लाठी डंडा लिए वहां मौके पर मौजूद हैं, लाठी और टार्च के साथ लगातार सजगता दिखा रहे हैं, अपने गांव की रखवाली करते नजर आ रहे हैं, मगर दुर्भाग्य रहा कि चोर मौके से फरार हो गया है। हो सकता है कि ये चोर दोबारा रेकी की नीयत से आया हो, इसलिए अकेला आया हो, क्योंकि पिछली घटना में 3 लोगों का जिक्र आ रहा था, 3 लोगों को जाते हुए ग्रामीणों ने देखा था। अभी सिर्फ एक व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को लोगों ने देखा है, जिसके बाद यह हल्ला होता है। हल्ला होने के बाद आसमानी फायर होती है, आसमानी फायर के बाद चोर जो है धान का खेत है उसमें डरते डराते भागते हुए उत्तर की ओर निकल जाता है। जी अर्पित जी, एक जानकारी चाहेंगे, एक के बाद एक आलमपुर गांव में ताबड़तोड़ चोरियां हो रही हैं, लोग रात रात भर जागने को मजबूर हैं, दहशत में जिंदगी जी रहे हैं कि उनकी जो जिंदगी भर की कमाई है उस पर जो चोर हैं चंद समय में ही हाथ साफ करके निकल जाते हैं। इस मामले में पुलिस की क्या गंभीरता दिखाई दे रही है? क्या पुलिस उनसे निपटने में सक्षम नहीं है या पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इस दिशा की ओर? देखिए, पिछले मामले को लेकर के जब चौकी प्रभारी से बात हुई थी तो हालांकि चौकी प्रभारी थोड़ा तेज तर्रार टाइप के जो है अधिकारी हैं, और उन्होंने क्योंकि एक मामला और पूर्व में आया था उसमें बहुत ही सजगता दिखाई थी, उम्मीद की जा सकती है पुलिस की तरफ से आगे कुछ बड़ी कार्रवाई मिलेगी, क्योंकि जैसे बातचीत में स्पष्ट हो रहा था कि जांच चल रही है और जल्द ही बड़े स्तर पर खुलासा होगा। लेकिन ऐसे में प्रियांशु जी, एक सवाल ये भी बनता है कि अभी कुछ दिन पहले केलनपुरवा में हुई, फिर केसरवारा में हुई, फिर केलनपुरवा में हुई, फिर जो है आलमपुर में 2 और चोरियां हो जाती हैं, तो आप ये समझ लीजिए पिछले 20-30 दिनों में 4 चोरियां हो चुकी हैं। अभी तक फिलहाल इस पे कोई पुलिस को सफलता नहीं मिली है। प्रियांशु जी, जब मैं जा रहा था गांव की ओर और हमारे जो क्षेत्रीय संवाददाता हैं कदीर जी मौके पर पहुंच गए थे, तो मैंने देखा कि बाइक पे पुलिस और 112 की पुलिस मेरे सामने से गुजरी है, शायद वो मौके पे गए थे। क्योंकि चौकी इंचार्ज से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आगे की बात निकलती नहीं आ रही, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची थी, इस बात की तो पुष्टि की जा सकती है। फिलहाल ग्रामीण वहां पर अभी भी खड़े हुए हैं, लाठी डंडे से और टार्च से लैस हैं, और वो लगातार लोगों को देखने में, ढूंढने में और सतर्कता के साथ में अपने गाँव की रखवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। जी एक अहम जानकारी और चाहेंगे अर्पित, वहां पे आप मौके पर गए, वहां पे ग्रामीण भी थे, लाठी डंडे लिए थे, और बताया जा रहा है कि उन्होंने हवाई फायरिंग भी की है लेकिन चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। बताया जा रहा हो सकता है रिकी करने के लिए चोर आया हो, पहले जायजा लेगा चोर ले रहा हो जो चोर, उसके बाद आगे की योजना बना के किसी घर को निशाना बना सके, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन एक जानकारी ये चाहेंगे अर्पित कि वहां पर जो ग्रामीण थे उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, क्या कुछ उन्होंने बताया आपको? ग्रामीण ने कहा कि भैया जैसे ही जो है गांव के राम गोपाल और संतोष ने संदिग्ध व्यक्ति को देखा तो
तुरंत चुप्पे चुप्पे फोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, एक कहते हैं ना कि एक चिंगारी सी, चिंगारी आग सी फैल गई। पहले तो चिंगारी थी, फिर ये जानकारी आग सी पूरे गांव में फैल जाती है। चार पांच गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लगातार छानबीन कर रहे हैं, लगातार वहां पे खड़े हुए हैं। अभी भी जब मैं आखिरी समय, मतलब वहां पर कम से कम 60 से 70 लोग अभी भी सजगता से पूरे गांव को बचा रहे हैं। ये बड़ी बात निकल कर आती है जी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली इलाके की पैतेपुर पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव आता है आलमपुर, और वहां पर पिछले दिनों 2-3 चोरियां लगातार हुई हैं, जिस कारण से वहां के लोग जो है दहशत में हैं, रात रात भर जागने को मजबूर हैं, अपने घर को बचाने को मजबूर है। और आज फिर ग्रामीणों ने एक चोर को देखा, चोरी छिपे, और इस दौरान आपको बता दें जब हो हल्ला हुआ तो 5 गांवों के ग्रामीण इकट्ठा हुए लाठी डंडों से लैस होकर, और बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने चोर का पीछा भी किया, हवाई फायरिंग भी 2 राउंड की, लेकिन चोर खेत में, चूंकि घना अंधेरा था, गांव में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती है, तो इस कारण से चोर धान के खेत से छिपते छिपाते निकल गया, लेकिन ग्रामीण अभी भी वहां पर लाठी डंडों से लैस होकर मौजूद है, और वो रात रात भर अपने घर को बचाने को भी मजबूर है। और अब देखना होगा कि इसमें पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल जो चौकी इंचार्ज है पैतेपुर से, उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया तो उनका हम पक्ष नहीं जान सके, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त है। ग्रामीणों को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है चोर और बदमाशों से निपटने के लिए। फिलहाल मौके पर आई इंडिया के जो पैतेपुर संवाददाता है मोहम्मद कदीर, वो पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। भैया क्या हुआ है यहाँ पर? अभी शाम के टाइम में बदमाश आए थे। अच्छा, तो कितने आदमी थे? वैसे फिलहाल तो एक ही आदमी दिखा है। अच्छा अच्छा, उसको हम लोग पीछा किए। हाँ, गांव के उत्तर साइड में भाग करके तालाब पर होकर के सीधे खेतों में होकर के निकल गया वो। अच्छा, तो गांव के लोगों ने जी 2 फायरिंग की। अच्छा अच्छा, पर वो पकड़ा नहीं गया। पकड़ा नहीं गया? हाँ। अच्छा अच्छा, पूरा गांव एकत्रित होकर के पूरा गांव मतलब चारों साइड को दौड़ाए और देखे भी, मतलब उसको पकड़ नहीं पाया। इस समय मैं मौजूद हूँ रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत आलमपुर में। आपको बता दें यहाँ पिछले दिनों चोरी हुई थी, बहुत ही बड़ी चोरी हुई थी 2 घरों में, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कुछ नहीं किया गया था। आज फिर ग्रामीणों ने शाम के टाइम लगभग चोरों को देखा है और ग्रामीणों द्वारा फायर भी की गई है और उसको दौड़ाया भी गया है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया है। हम जानना चाहेंगे ग्रामीणों से क्या मामला है। संजय वर्मा। संजय जी, चोर आपने देखा है? चोर रामगोपाल जी ने देखा था। अच्छा अच्छा, संतोष और रामगोपाल जी दोनों। किधर वो भागे? गाँव के उत्तर साइड में, साइड में तालाब है। तालाब के पास में वो लोग शौचालय बना हुआ सरकारी, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे। शाम के टाइम पे 7:30 बहुत बजा हुआ था, 7:30 और रात के बीच में रहे। इसी पीरियड में उन लोगों ने एक आदमी, अज्ञात आदमी को देखा। तब जब उन लोगों ने टॉर्च लगाई तो उत्तर की दिशा में भागा, तब उन लोगों ने शोर मचाया। जब शोर मचाया तो मतलब गाँव से काफी लोग तकलीफ होकर के उसका हम लोगों ने पीछा किया। पीछा करने के बाद में मतलब उसको हम लोग पकड़ नहीं पाए। दरअसल प्रयास काफी की गई, मतलब जो है कोई मतलब रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला। रामगोपाल जी, आप हैं जी, आपने देखा है? हाँ, हमने देखा है। अच्छा, चोर को यहाँ पर एक तालाब के ऊपर फरेंदे का, जामुन का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, और काफी जंगल है वहाँ पे। हाँ हाँ, और वही हम लोग तार जलते हुए जब देखा तो उसको दौड़ा लिया। अच्छा, बस वो 3 बार तार जला करके वो धान में ऊपर उधर भाग गया, मतलब झाड़ियों में छुपा। हाँ, झाड़ियों में छुपा था, बिल्कुल आंखों से देखे हुए। इंडिया के लिए पैतेपुर से मोहम्मद कदीर की रिपोर्ट। तो एक ग्रामीणों का कहना है, अपनी व्यथा बताया उन्होंने इंडिया संवाददाता मोहम्मद कदीर से। और आपको बता दें कि महमूदाबाद के जो संवाददाता है वो भी तत्काल, अर्पित शुक्ला, वो भी तत्काल मौके पर पहुंचे थे जैसे ही उन्हें सूचना मिली। उन्हें क्या कुछ जानकारी हासिल हुई और क्या कुछ ग्रामीणों ने बताया उन्हें, वो भी हम आपको आइए सुनाते हैं। आलमपुर का आलम बेहद भयावह हो चुका है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 2 घरों में डकैती जैसी चोरी देखने को मिली थी। मैं डकैती और चोरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एकदम फिल्मी अंदाज में आई इंडिया ने उस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से चोर बदमाश यहां घुस आए थे।
आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। देर शाम करीब 8:30 बजे के बाद जब ग्रामीणों ने देखा कि एक बाहरी शख्स जो गांव में आपत्तिजनक स्थिति में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई पड़ा, तो गांव के आसपास के 5 गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद रामगोपाल, क्योंकि उसको पहली बार देखता है, तो गांव के सभी लोगों को बताता है, और इकट्ठा होने के बाद कई लोग उन्हें घेरने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण हवाई फायर करते हैं जिससे जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, वो थोड़ा सा डरें, लेकिन वो इस दिशा में आगे की तरफ झाड़ियों से होते हुए भाग गए। जैसा कि हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया कि किस तरीके से चोर जो यहाँ पर कुछ दिनों पहले भी चोरों का आतंक था, पैतेपुर में कुल 4 मामले अभी 2-2.5 हफ्ते के करीब में चोरी के उजागर हुए हैं, सामने आए हैं। केसरवाड़ा, किलनपुरवा और उसके बाद आलमपुर की ये गांव, ये जमीन जहां पर लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है जो सवालिया घेरे में कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था को भी खड़ा करता है। आखिर अभी कुछ समय पहले ही यहां वारदात होती है और उसके बाद आखिर कैसे इन लोगों की हिम्मत पड़ जाती है कि वो पुनः इस गांव में प्रवेश कर लेते हैं। ये तो कहिए गांव वालों की सजगता थी जिसके कारण एक बड़ी चूक होने से बच गई, और गांवों की लोगों की सजगता और लाठी देख सकते हैं कि यहां पे लोग लाठी लिए, टॉर्च लिए खड़े हुए हैं। पैतेपुर से मोहम्मद कदीर के साथ मैं अर्पित शुक्ला, रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।